हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश कल से इतनी ज़्यादा हो रही है, तो पानी इतना बर्फ़ आ रहा है और नहाने का भी मन नहीं हो रहा है, बट नहाना पड़ेगा। तो सब लोग नहा चुके हैं बट मैं अभी नहीं नहाई हूँ। और अभी मैं आप लोग को मौसम दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बच्चों के लिए बनाया है इडली सांभर और नारियल की चटनी, क्योंकि इन लोगों का बहुत दिन से डिमांड हो रही थी कि हमें इडली खानी है, इडली खानी। मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं। दही और नारियल की चटनी बनेगी और इसमें डलेगी हरी मिर्च। तो हमें डालनी है इसमें 2 मिर्ची और थोड़ा सा डालना है ये राई। राई जब चटक जाएगी उसके बाद डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हो जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट। तो हम डाल देंगे इसको अपनी चटनी में। चटनी तो मेरी बहुत अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है सांभर बनने के लिए, तो जब बनता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बन चुका है मेरा सांभर और इसमें हम डालेंगे सांभर मसाला। बस मुझे इसमें तड़का लगाना है। ये तड़के की मैंने तैयारियां कर रखी हैं, बस अब मुझे इसको छौंकना है। तो इसमें भी मैंने डाला है राई और मिर्च, हींग और ये डालेंगे कड़ी पत्ता। सच में बहुत लाजवाब इडली बनने वाली है, बहुत मजा आने वाला है इडली खाने में। ये लिया है हमने सूजी और हम बनाएंगे सूजी की इडली। करके मैश लेना है, क्योंकि एक बार में जितना इडली के बर्तन में आएगा इतना ही मुझे इनो डालकर उसमें डालना है। चटनी बहुत अच्छी बनी है नारियल की। तो
अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।